हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। ये है जुलाई का अपडेट का वीडियो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेल्स जो आए हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम सीधे साइड क्वेस्ट पे जाएंगे। इवेंट क्वेस्ट तो करना ही है एवेंचुअली, आप लोगों को पता ही है, साइड क्वेस्ट पे चलेंगे। ठीक है, स्पेशल ऑफर ये नहीं चाहिए हमें, ये क्या, अरे ये भी नहीं चाहिए हमें। एंड उसके बाद में ये कुछ आया है, सागा चैलेंज नाउ इन इंकर्शन आया है सागा चैलेंज वाला। उसके बाद में ये आता है आपका इवेंट क्वेस्ट का, यहाँ पे जो कि 7 अगस्त तक रहेगा इवेंट क्वेस्ट, ये वाला महीने का। यहाँ पे ये मैं क्या बोलते हैं इसका, कुछ तो बोलते हैं इन कैटलिस्ट को, क्रिस्टल्स को। एक्स मैजिका शोकेस आ चुका है, एक आया था अलायंस शोकेस, अब आया है एक्स मैजिका शोकेस, जिसमें हमें अटैकर यूज करने हैं मैजिक थीफ और हमें अटैकर यूज करने हैं एक्स मैजिका वाले। आई थिंक यही है, ए ग्रुप ऑफ अलायंस वॉर डिफेंडर मेनी ऑफ देम कैरिंग द मैजिक थीफ टैक्टिक हैव गैदर्ड इन अ न्यू क्वेश्चन एंड अवेट योर चैलेंज एक्सप्लेन द थ्रिल। ओके ओके, फीचरिंग बोथ एक्स मैजिका एंड मैजिका थ्रेड डिफेंडर मार्शल लोडो ए फोकस ऑन एक्स सागा चैंपियन द एक्स मैजिका शोकेस साइड क्वेस्ट विल बी अवेलेबल अंटिल July 24, जिसमें मेरे ख्याल से एक्स मैजिक, देखो इस शो केस में हमें शायद एक्स मैजिक का और साथ ही साथ हमें शायद से मैजिक थीप वाले अटैकर्स यूज करने हैं, बाकी कोई नहीं, हम देख लेते हैं इसको भी क्या है। अपडेट में एक वीडियो आया, मेल आया है जिसमें कि आपको बता रहे हैं कि week 4 मतलब साइड क्वेस्ट के 4 वीक आएंगे, जो कि पहला वीक होगा सेबर टूथ बॉस होगा, दूसरे में सेस्कॉच, तीसरे में गार्डियन वेपन 4, और कोई एंट्री पास नहीं है, आप रिट्राई भी कर सकते हो। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आपको मतलब बोल रहे हैं कि लूट लो हमें, साफ साफ ये है। और देखते हैं ना भी कि ये यहाँ पे रिवॉर्ड्स क्या रखे होंगे इन्होंने साइड क्वेस्ट में एंटर करने के लिए। अब यहाँ पे सोलो इवेंट क्वेस्ट आया है कॉइन लाइन, जिसमें हमें यूज करने हैं क्लैरिटी और हाउस ऑफ मिरर वाले अटैकर्स यूज करने हैं, और हमें चैंपियंस को मारना है। हाँ, चैंपियंस को मारना है, और अगर साइड क्वेस्ट में अगर हम क्लैरिटी और हाउस ऑफ मिरर चैंपियन यूज करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, और हर एक माइलस्टोन कंप्लीट करने पे हमें 3000 ग्लोरी मिलता रहेगा, और सबसे लास्ट वाले में हमें मिलेगा मैग्नेट्रॉन क्रिस्टल मिलेगा। ओके फाइन, कोई बात नहीं, अब जल्दी से एंटर करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम अलायंस साइड क्वेस्ट में जाके हम शोकेस देखते हैं, शोकेस में कौन कौन से एक्स मैजिका शोकेस आया भाई साहब, वार पॉथ। ओके, यहाँ पे हमारे को रिवॉर्ड क्या मिलेगा वो एक बार देख लेते हैं। हमें यहाँ पे एक एक पीस मिलने वाला है, 5 मैग्नेट्रॉन मिलने वाले हैं, और 5000 हमें टाइटन शार्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो गाइज हमें यहाँ पे एक्स मैजिक का शो केस में ये सारे डिफेंडर्स है, और हमारा बॉस जो है वो थिंग होने वाला है, जिसकी हेल्थ पूल है 9 लाख। ओके, यहाँ पे जहाँ तक मेरे को नोड की वजह से समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पे एक्स मैजिक का ही चैंपियंस लाने हैं, और डिफेंडर इम्यून है। ठीक है गाइज, यहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्स लगने वाले हैं जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, और काफ़ी सारे रिवाइव तो लगने ही वाले हैं। पहले मैं टीम देख लेता हूँ मेरे पास एक्स मैजिक का में, और कौन कौन से चैंपियन हैं जो कि हम कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे एक्स मैजिका में। आई डोंट थिंक कि अच्छे हैं यार मेरे पास, प्रोफेसर है, वाइट टाइगर आती है अपने पास, क्लॉसस आता है, बिशप आता है। ओके यार, कुछ अच्छे हैं नहीं, म्यूटेंट में ज़्यादा आ रहे हैं वैसे एक्स मैजिका में। ओके, तो दिक्कत तो है यार, यहाँ पे प्रोफेसर काम आ जाएगा, लेकिन बाकी बिशप भी काम आ जाएगा यहाँ पे, क्लॉसेस भी काम आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन बाकियों के लिए देखना पड़ेगा क्या करना। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे चलते हैं अब साइड क्वेस्ट में, चलते हैं week 1 में, एंड देखते हैं वहाँ पे क्या है रिवॉर्ड्स, और उस हिसाब से हम खेलते हैं। ओके, ये रहा week 1 साइड क्वेस्ट, जो कि जिसमें हमें सेबर टूथ से फाइट करनी है, week 1 लॉन्ग इन द टूथ। चलते हैं 3rd level 5 पे, और यहाँ पे सबसे पहले रिवॉर्ड्स देखते हैं। ओके, रिवॉर्ड्स तो अच्छे हैं यार, 1000 शार्ड, 2000 टोटल शार्ड मिल रहे हैं एक्सप्लोर करने के बाद भी, और टायर 4 अल्फा मिल रहा है हमें कैटलिस्ट, ये क्या है 5 क्रिस्टल्स, ये हमें आई थिंक कुछ मिल रहा है 5% टायर 6 क्लास कैटलिस्ट मिल रहे हैं हमें। ओके, एंड हमें 6 स्टार का रैलिक मिल रहा है 1200 शार्ड करने के लिए, हमें कोई भी पास की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्लैरिटी और एक्स मैजिका क्लैरिटी और हाउस ऑफ मिरर वाले चैंपियंस लेके जाने हैं, ताकि हमको ज़्यादा पॉइंट्स मिले और सोलो इवेंट्स हम अच्छे से कवर कर पाए। टोटल 1 2 3 4 टोटल यहाँ पे 4 3 7 3 10 फाइटें हैं टोटल हर एक week 1 में, तो मुझे लगता है स्टार्ट कर लेना चाहिए, एंड हमको क्लैरिटी और हाउस ऑफ मिरर वाले चैंपियंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं टैग लगाता हूँ पहले क्लैरिटी वाला, क्लैरिटी आ गया यहाँ पे, एंड उसी के साथ में हम टैग लगाएंगे हाउस ऑफ मिरर वाला, हाउस
आ गया हाउस ऑफ मिरर्स में। अब देखते हैं यहाँ पे चैंपियंस कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से हम आराम से यहाँ पे ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए मुझे, शूरी भी चाहिए मुझे एंड शॉकर भी चाहिए मुझे। डेफिनेटली यहाँ पे इनका यूज करने वाला हूँ और बिगिन करते हैं क्वेश्चन को एंड जल्दी से जल्दी ये रिवॉर्ड्स क्लेम करने का ट्राई करते हैं। थ्रेट लेवल 5 पे हम वीक 1 खेल रहे हैं और वीक 2 में थ्रेट लेवल 2 वीक 2 भी वीक 4 आने वाले हैं एक्चुअली में इसके सबके। तो ओ यार मैंने हेल्थ पुल तो देखी नहीं और ना ही मैंने नोड्स देखे इन पे क्या लगने वाले हैं। हेल्थ पुल कम ही है। कॉम्बैक्ट पावर एट 100% रहेगा। व्हेन द अटैकर फील अ बॉर फॉर 8 सेकंड हर 8 सेकंड के अंदर हमें यहाँ पे स्पेशल यूज करना पड़ेगा वरना हमें 50% डैमेज मिलेगा। जब भी अपना स्पेशल अटैक छोड़ेगा डिफेंडर तो उसे डिबफ इम्यूनिटी मिलेगी। ओके ओके यहाँ पे अगर इसको एनर्जाइज लगा है इसका मतलब ये पाँचे हिट में ही मेरे ख्याल से पावर 1 बना लेगा यार जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मारा एक तो हमने लगा दिया। ओके मेरे को 8 सेकंड है यहाँ पे अपना स्पेशल छोड़ने के लिए एंड आई थिंक छोड़ दिया मैंने। अरे नहीं मार नहीं सकता, मार नहीं सकता भाई। ओके स्पेशल 3 पे चला गया मैं, सिर्फ स्पेशल 3 पे पुश कर दिया अपने आप को यार। ओके मैं चाहता हूँ ये बंदा चुपचाप अपना स्पेशल छोड़े और अब छोड़ेगा मुझे पता है। देखा यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइमिंग हुआ एंड आपका गेम ओवर उधर ही हो जाता है। ओके नाइस एक हैवी पकड़ते हैं। नाइस आजा अब मारते हैं। दो फ्यूरी अपने पास आ चुकी है। ये हमारा हमने स्पेशल एंड चलो गेम ओवर। चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे जो कि पता नहीं किसके साथ है लेकिन करनी तो है। ओके दोनों पे एक्चुअली में दोनों पे एनर्जाइज लगा हुआ है। नाइस दिस इज गुड। ठीक है फिर तो बट तू अगर स्पेशल छोड़ेगा तो बढ़िया रहेगा। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतना डैमेज मिलेगा। 50% डैमेज मिला एक्चुअली में यार। ओके मैं चाहता नहीं हूँ स्पेशल छोड़ना यहाँ पे। ओके स्पेशल 2 वेस्ट करवाते हैं। नाइस अपना स्पेशल 1 छोड़ दिया। एक और स्पेशल 2 वेस्ट करवाते हैं इससे। नाइस ये हमारा एक और स्पेशल। ओके नाइस स्पेशल 2 वेस्ट करवाते हैं चुपचाप चुपचाप। हाँ बढ़िया। ओ भाई लास्ट मौके पे हमने स्पेशल छोड़ा है। आई थिंक मर जाएगी। नहीं मरेगी। ओके मैंने आधे चार्जेस पे इसलिए छोड़ा क्योंकि यार ग्वेन पूल का रहता है ना 1% इसका ऐसे बेसिक हिट से ही मारना पड़ता है। ओके नेक्स्ट फाइट जो है सनस्पॉट से है। उसके बाद में हमारा आयरन मैन क्या नाम है इसका यार सेबर टूथ। ओके सनस्पॉट से फाइट है। सेम लोकल नोड है। चलो ओके ये फाइट शुरू करते हैं जल्दी से एंड काम तमाम करते हैं इसका भी। शॉकर अच्छा है यार 7 स्टार में। ये हमारा हमने स्पेशल 1। नाइस ओके ये हमारा एक और स्पेशल। मुझे मारना है स्पेशल 2 लेकिन स्पेशल 1 भी वेस्ट करवाना है सामने वाले का। ये हमारा हमने स्पेशल 2 और मुझे लगता है गेम ओवर होने वाली है इसकी क्योंकि हमारे पास चार्जेस बहुत सारे हैं। 84 चार्ज मेरे पास थे एंड सारे के सारे लगाने वाला हूं मैं। तो ये हुई फाइट खत्म। अब हमारी बॉस फाइट है सेबर टूथ के साथ में। जल्दी से करते हैं वहां पे भी। यह है बॉस फाइट जिसकी 3 लाख की हेल्थ है भाई। 3.5 लाख की हेल्थ है। हर 2 सेकंड में से रिजनरेशन मिलेगा। स्लैश थ्रू द ब्लॉक्स हमारे ब्लॉक से भी ब्लीड लगाएगा ये। 100% ऑफ ऑल डैमेज द डिफेंडर टेक्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज इफेक्ट इज ऑल्सो फिजिकल डैमेज नहीं दे सकते इसको। ओके व्हेनेवर अ रोबोटिक अटैकर वुड गेन अ ब्लीड डिबफ दे इंस्टेंट गेन अ शॉक डिबफ। ओके हर 15 सेकंड में डिफेंडर ऑल चार्ज अप एंड ओवर चार्ज अप होने पे डिफेंडर ब्लॉक इन्फ्लिक्ट शॉक डिबफ। अगर ब्लॉक पे मारेंगे ना इसके चार्ज अप होने पे तो हमें शॉक मिलेगा और ओवर चार्ज होने पे डिफेंडर जो है 6 सेकंड के लिए अनब्लॉकेबल रहेगा। ओके लेट्स ट्राई विद शूरी। मेरे को निमरॉड को लेके आना चाहिए था यार।
एक तो साला वो भी लगा रहा है ना, क्या बोलते हैं, ब्लीड। ओके यहाँ पे मैंने थोड़े से प्रिसिशन तो ले लिए अपने ऊपर, लेकिन ओके नाइस। अट तेरी तो ऐसी की तैसी। ये मैं इन सिनर, अच्छा ये अनब्लॉकेबल है यार, मैं उस चीज का ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ यार। शिट मैन, मैंने मौका ही नहीं दिया बंदे ने। कोई बात नहीं, का ध्यान ही नहीं रहा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओवर चार्ज पे हमें देखना पड़ेगा ना। ओके ओवर चार्ज पे ना टाइम वेस्ट करना है। ओके सिक्सटी सेवन से कहां पहुंचेगा ये, 52 पे। नाइस, ओके 47। मैं चाहता हूँ ये स्पेशल 3 पे हिट हो जाए इसको। अब इसको दिखाता हूँ डैमेज क्या होता है। नाइस डैमेज। अट तेरी तो ऐसी की तैसी। ओके ओके गाइस, मुझे लगता है मुझे स्पेशल 2 पे जाना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा रीजन कर रहा है बंदा। हाँ यार काफी रीजन कर रहा है। ओके मरने वाला था लेकिन मरा नहीं। मर जा। ओके मर जा मेरे भाई। अबे यार मर गया भाई साहब। असा साला रीजन पे रीजन करे जा रहा था। मुझे लेडी डेथ स्ट्राइक लानी चाहिए थी, नहीं तो निमरॉड लेके आना चाहिए था। ठीक है गाइस, दूसरे पार्ट पे आता हूँ और जल्दी से वो भी कंप्लीट करता हूँ। ये रहे कंप्लीशन के रिवॉर्ड। ओके गाइस, ये फाइट है डियाब्लो के साथ में एंड डिफेंडर इज इम्यून टू डिबफ गेन। ओके जल्दी से जल्दी हमें स्पेशल 2 छोड़ना पड़ेगा। द डिफेंडर इज इम्यून टू डिबफ्स। ओके द इम्यूनिटी गोज ऑन कूल डाउन। अगर हम यहाँ पे सो नॉकआउट करते हैं, व्हेन द डिफेंडर ब्लॉक और ऑटो ब्लॉक एंड अटैक देगी ना अनस्टॉपेबल बफ। ओके हमें सबसे पहले तो इसको नॉकआउट करना पड़ेगा है, दैट मींस। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। डिबफ इम्यून रहेगा तो हमें पहले तो इसको वो करना पड़ेगा ना। ओके अबे छोड़ दे यार स्पेशल, साला हैवी नहीं छोड़ रहा भाई। चलो अब इसको हम स्टन कर सकते हैं, लेकिन बार बार कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके ये हमारा, हमने यहाँ पे एक और स्पेशल। ओके छोड़ दे, छोड़ दिया ठीक है। एक और स्पेशल, अब स्पेशल 2 पे जा रहा हूँ मैं। अरे नहीं यार सारे चार्ज हट गए मेरे यार। शिट मैन, सारे के सारे चार्ज निकल गए मेरे। ओके देखते हैं कितना डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओह 34% खा गया यार, 118,000 का डैमेज था। फाइट है नेब्यूला से एंड हमें सबसे पहले, हमारा मकसद ये है कि हमें इसको वो करना है, नॉकआउट करना है, और मैंने कर दिया। अब इसको हम डिबफ्स डाल सकते हैं। ये मैंने पकड़ा पैरी एक और, 5 फ्यूरी आ चुकी है हमारे ऊपर एंड सेल्फ रिपेयर कर रही है तो स्टन करना पड़ेगा इसको। नाइस एक हैवी पकड़ते हैं, एक और हैवी पकड़ते हैं, है ना। ओ डेड भी हो गई यार, नाइस। ओके गाइस ये फाइट है हेला के साथ में एंड मकसद यही है कि पहले, ओ सिट मैं इसके अनस्टॉपेबल में चला गया, ब्लॉक पे चला गया, सॉरी एक्चुअली।
जब गलत चलता है फिर सब सब कुछ ही गलत चलता है ना। ओके नॉकआउट कर दिया, अब पैरी पकड़ सकते हैं एंड हैवी फेंक सकते हैं, अपनी फ्यूरीज गेन कर सकते हैं हम, अच्छी बात यह है। ये पकड़ी फ्यूरी, चलो दो फ्यूरी आ गई ना, लेकिन मेरे को स्पेशल टू वेस्ट करवाना है इसका। ओके पांच फ्यूरी अपने पे, भाई छोड़ेगा कि नहीं। ओके स्पेशल थ्री फेंक रहा हूँ मैं, 67% से लेट्स होप 50 पे आ जाए, 41 पे आ गई यार, नाइस डैमेज। पकड़ते हैं हैवी एंड एक हैवी फेंकते हैं, छह फ्यूरी होगी, नाइस। ओके शिट मेरे को नॉकआउट करना पड़ेगा इसे, 22% 1% नाइस। ओके हमें टाइम वेस्ट करना है थोड़ा, चलो ये भी खत्म होगी, चलती है बॉस फाइट पे। तो फाइट है सेबर टूथ, फिर से वही बॉस है, ओवर चार्ज का हमें ध्यान रखना होगा बस, बाकी मेरे को फ्यूरीज गेन करनी है जल्दी से जल्दी। अबे यार दो ही फ्यूरी हुई अभी, सन होना चाहिए, हो गया। एक और फ्यू, एक और हैवी मार सकते हैं, छह फ्यूरी आ गई, ये मारा एक और स्पेशल, नाइस हैवी पकड़ लिया, एक और हैवी, नाइस। मुझे नहीं पता फ्यूरी कितनी थी मेरे पास, लेकिन हमने 50% इसको, सॉरी 30%, अरे नहीं 35% पे है, लेट्स होप जल्दी से जल्दी मार पाए इसको। नेक्स्ट पाथ पे ना मैं अपनी टीम चेंज करूँगा, मुझे निमरॉड लाना पड़ेगा क्योंकि वो चाहिए यार, लेकिन निमरॉड वही है ना, ब्लीड इम्यून है तो फिर एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा हमें। ओके गलत टाइम पे पैरी डेक्स किया मैंने। ओके लेट्स फाइट विद शूरी, ओके स्पेशल वन बन गया है, बन छोड़ देते हैं, 9.8%, चलो डन, ये फाइट हुई खत्म, चलते हैं जल्दी से लास्ट वाला पाथ लेके आते हैं। इस फाइट है हमारी केबल के साथ में, हर 2 सेकंड में इसे प्रोवस मिलेगा, व्हेनेवर अ हिट फ्रॉम द डिफेंडर स्पेशल अटैक इज डॉज द अटैकर गेन 20% प्रोवस। ओके इफ द डिफेंडर हैज 3 प्रोवस पैसिव द पैसिवली गेन 10%। ओके हमें प्रोवस भी वो करने पड़ेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे हाइपरिन को ले जाते हैं, जल्दी से ठोक डालते हैं। ओके फाइट है केबल से एंड हर 2 सेकंड में इसे प्रोवस मिलेगा ना। ओके डन। ओके भाई अरे यार फ्यूरी दे दे यार मेरे भाई, फ्यूरी की डिमांड है यार, 4-5 हो गई। ओके स्पेशल ठोक दिया। ओके मुझे लगता है मुझे ना, फ्यूरी पहले पैसिव हटाने पड़ेंगे, पैसिव तब हटाऊंगा जब मारने देगा। ओके 45% एंड 30%, ठीक है। अरे नहीं यार ये स्पेशल 3 पे पहुंच गया यार। ओके कोई बात नहीं, दूसरे चैंप लेके आते हैं, एक बार स्पेशल 2 पे पहुंचूं ना फिर बात आएगी थोड़ी सी, यहाँ पे हाथ में मिस टाइम हो रहा है मेरे से, ऐसा कैली हो रहा है भाई। ओके चलो ये खत्म हुआ, अगली फाइट पे चलते हैं। ओके ये फाइट है पनिशर के साथ में एंड देखते हैं भाई करना क्या है यहाँ पे। स्पेशल वन रेडी है, स्पेशल वन मैंने छोड़ दिया, अपने पास 12 प्रिसिशन आ चुके हैं एंड हमें पैसिव प्रोवस भी हटाते रहने हैं। ओके ठीक है मार दे भाई, यही तो चाहता था मैं। ठीक है सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे
पैसिव प्रोवर्स हटाने हैं एंड उसके बाद में एक स्पेशल वन ट्रिगर कर दिया मैंने, अच्छा खासा इसको डैमेज ओवर टाइम मिल रहा है। ओके ओके आई थिंक फाइट जो है वो डन हो चुकी है। नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं जो कि पता नहीं किसके साथ है। फाइट है नाइट थ्रेशर के साथ में और मुझे लगता है मैंने गलत चैंपियन लेके आया हूँ। ओके शॉक, मेरे को लगा था शॉक इम्यून है, सॉरी ये इंसनेट इम्यून है। ओके मुझे लगा शॉक इम्यून है, मैं क्विट करने वाला था अभी। ओके शिट शिट पिट गया, नाइस एक और स्पेशल वन, नाइस अच्छा खासा ओवर टाइम डैमेज मिल रहा है 1000 पर टिक। अब तो एक्स्ट्रा मिल रहा है यार, स्पेशल नहीं छोड़ा इसने, छोड़ा ही नहीं स्पेशल इसने। ओके पकड़ के रखा बंदे ने, पूरा कॉम्बो चला देना चाहिए था साले पे। चलो डन फाइट एंड आगे है जो बॉस फाइट है वो कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। हमें हील ब्लॉक करना है सबसे पहले, तो वही चीज़ ध्यान में रखनी है हमें, नाइस। बाकी ओवर आ रहे हैं, नहीं यार ये तो मेरे को, ओके ये रोबोट निकली यार, मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये रोबोट होगी यार, मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं था ये रोबोट होगी। कुछ भी डैमेज नहीं दिया मैंने इसको यार, और चैम्प ख़त्म हो गया मेरा। ओके ओके यहाँ पे मैं स्पेशल छोड़ रहा हूँ, साला ओवर चार्ज आ गया ना। ओके एक और स्पेशल वन, टाइम वेस्ट करना है हमें, 6 सेकंड नहीं 12 सेकंड के लिए रहता है ये। ओके नाइस डैमेज 12000 का भाई क्रिटिकल मिल रहा है, नाइस एंड गेम डन हो गई है। हमारी शूरी जो है वो 7 स्टार रैंक 2 पे, और इसी के साथ में हमने फुल्ली एक्सप्लोर वीक 1 साइड क्वेस्ट कर लिया है। इवेंट क्वेस्ट की वीडियो में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। और गाइस किसी को कोई भी कंप्लीशन करवाना है आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट करो। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा और भी वीडियोस लाने की, एंड हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक्स मैजिक का शोकेस की वीडियो भी जल्दी से जल्दी लेके आऊं। बाकी यहाँ पे अगर देखो मैं सोलो इवेंट में काफ़ी सारे पॉइंट, अरे यार ये तो ये पहले क्लेम कर लेते हैं। सोलो इवेंट में हमने 10 भाई सारे पॉइंट्स क्लेम कर लिए क्या, एक मिनट मेरे पास 40 भाई साहब हमने सारे ही पॉइंट्स क्लेम कर लिए हैं यार, दैट्स गुड। तो कोई बात नहीं गाइज, जल्दी से जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट जरूर करते रहा करो, भाई को सपोर्ट की जरूरत है। जल्दी मिलता हूँ, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।